हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सॉल्ट एंड लव किचन रेसिपीज में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही कमाल की डिश। ये है एक पैनकेक, और इसे बनाया है जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है बस 10 रुपए का। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का पैनकेक। और एक बहुत ही ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते लेकर आता हूँ कमाल की वीडियोस। आज हम बनाएंगे ये शानदार स्पॉन्जी पैनकेक। पैनकेक बनाने का जो मेन इंग्रेडिएंट हमने लिया है वो है 10 रुपए का पार्ले जी बिस्कुट। इसमें लगभग 20 बिस्किट्स आ जाते हैं। सभी बिस्कुट को हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, पूरा पाउडर बना लेंगे एकदम मुलायम। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा भी दरदरा नहीं रखना है। बिस्कुट्स को अच्छी तरह से पीस लेने के बाद हम उसमें मिलाएंगे चीनी। चीनी भी मैंने मिलाया है पाउडर करके, चीनी मैंने मिलाया है 2 टेबलस्पून। अब इसमें मिलाएंगे 1 टेबलस्पून यानी कि 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर। कोकोआ पाउडर से ये पूरा चॉकलेट फ्लेवर का बनेगा, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। फाइनली 2 चुटकी बेकिंग पाउडर यानी कि 1/4 चम्मच से भी कम बेकिंग पाउडर हमें मिलाना है। अब हम इसका बैटर बनाएंगे दूध के साथ। दूध लगेगा लगभग 200 ml। दूध हमें एक साथ पूरा नहीं डालना है, हम थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डालेंगे। ये देखिए, थोड़ा गूंथने के बाद मैंने वापस से इसमें दूध डाला है। हमारा बैटर हो चुका है रेडी। हमें ऐसा ही कंसिस्टेंसी चाहिए था, देखिए थोड़ा सा वाटरी कंसिस्टेंसी चाहिए। बैटर को ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखिए। अब हम एक पैन को कर लेंगे गरम और उसमें मिलाएंगे हम घी। शुद्ध देसी घी में बना पैनकेक तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। घी को अच्छी तरह से पूरे पैन में फैला दीजिए, और जब घी हो जाए गरम तब धीरे धीरे इसमें बैटर को ऐड कीजिए। हम एक ही जगह पर ऊपर से बैटर को डालेंगे। अगर आपका पैन बड़ा है तो आप एक साथ 3-4 पैनकेक बना सकते हैं। पैन के साइज के हिसाब से हमें बैटर को डालना है। झट से हमें इसे उलटना नहीं है, इसे एक साइड से 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद जब एक साइड पक जाए तभी हम इसे उलटेंगे, और उलट के दूसरे साइड से भी पकाएंगे। ये देखिए, जब ऊपर से इस तरह से कलर आना शुरू हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये नीचे से पक चुका है। तो अब हम इसे धीरे धीरे उलटना शुरू करेंगे। कोई रश नहीं करना है, हम इसे बहुत ही आराम से उलटेंगे। ये देखिए नीचे से कितना सुंदर तरह से पक चुका है। इसे उलटने के बाद ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 मिनट पकाने से ये डन हो जाएगा। हम बाकी के बैटर भी धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे। दोस्तों, ये पैनकेक बनाना बहुत ही आसानी से कोई भी बना सकता है, और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाते हैं, और इसे खाने में बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो हमें इसी तरह से पूरे बैटर को बारी बारी तलना है और हमारा पैनकेक रेडी हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आता है, इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ लगता है खाने में। और दोस्तों, आप चाहे तो इसका डोरा केक भी बना सकते हैं। आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाकर छोटे छोटे डोरा केक के साइज में इसे बेक करेंगे, तो ये बनेगा डोरा केक। इसे खाकर कोई नहीं कह सकता कि ये पार्ले जी के बिस्किट से बना हुआ है, और इसका फ्लेवर भी चॉकलेटी ही आता है क्योंकि हमने इसमें मिलाया था कोकोआ पाउडर। आप चाहे तो इसमें वनीला या फिर दूसरे फ्रूट एसेंस भी मिला सकते हैं, जिससे कि इसका फ्लेवर थोड़ा सा अलग आएगा। और ये साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने पैनकेक बनते हैं। आप जितना बड़ा बनाएंगे उतने कम बनेंगे। ये देखिए, सभी पैनकेक बनके हो चुका है तैयार।
तो दोस्तों अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप हो तो आप चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं। मेरे पास है फ्रेश क्रीम, तो मैं इसे सजाऊंगा फ्रेश क्रीम के साथ, और ये फ्रेश क्रीम के साथ खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।